अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिजर कलासरा और मेरे साथ जो है ये अगवानी फैमिली से इनका ताल्लुक है और ये मत्तू और दूसरी चीज़ें जो हैं स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। तो मैंने कहा इनसे बात की जाए, पूछा जाए कि ये ट्रेडिशनली जो है लोक विरसा में अफगानिस्तान की कौन सी डिशेस दे रहे हैं। प्लीज़ ये बताइएगा कि कौन सी आप डिशेस कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। हम यहाँ पे बोलानी बना रहे हैं, अफगानी ट्रेडिशनल फूड है, मंचू है और शोरना पर बना रहे हैं। तो मुझे कुछ दिखाएंगे मत्तू या जो जो ये जो है मंचू है। अच्छा, ये मंतू हमारे यहाँ ये गिलगत बल्तिस्तान में भी मतलब बनता है, तो ये कौन से वाला है? ये हमारे यहाँ पे जो बनते इसमें चिकन है, कैबेज, कैरेट, मिक्स वेजिटेबल इसमें मिक्स होता है। और ये जो है हमारा अफगानी शोरना खुद बोलते हैं इसको। अच्छा, ये तो मतलब हम तो इसे चने कहते हैं ना। हाँ, हम इसको बॉईल करके इसके काली मिर्च डालते हैं, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लावर के साथ, और इसमें बॉइल आलू भी डालते हैं। अच्छा, तो इसे आप कहते हैं क्या है अपने? शोरना खत। अच्छा, ये फारसी का लफ्ज है या पश्तो का है? नहीं, फारसी का लफ्ज। आप फारसी बहन हैं पश्तून हैं? मैं दोनों में हूँ, मम्मी पश्तून से, पापा फारसी। अच्छा, क्योंकि मुझे काबुल जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ मुझे पता चला कि कंधार जलालाबाद में तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो फारसी पे है और पश्तो पे है। ज़ाहिर है आपका अफगानिस्तान से भी 900 किलोमीटर बॉर्डर मिलता है, इधर भी मिलता है। वैसे अफगानिस्तान एक तारीख रखता है, बहुत सुंदर कंट्री है। हाँ, नो डाउट। आप लोग बड़े अच्छे भी हैं और आप हमारे हुक्मरान भी रहे हैं। जो हमारे मुल्तान का नवाब था ना, नवाब मुजफ्फर खान, वो अफगान था। अच्छा। वो लास्ट हुक्मरान था, उन्होंने बड़ी देर जहाँ हुक्मरानी, वैसे भी अफगान आते थे। आप पता नहीं, अफगानिस्तान वाले खुद जो है ना ज़ेर अताब हैं। अदरवाइज वो ये आपके साथ, ये आपकी बहन है? अच्छा, बहन। अच्छा, ये इसमें क्या है जी? इसमें चाय है, हम ग्रीन टी बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल लोग जो लेते हैं। हाँ। हमारे अफगानिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हर घर में मिलता है। अच्छा, बहुत बड़े मेहमान नवाज भी हैं, जब हम गए थे तो वो बड़ा सर्व करते हैं, बड़े अपने मखसूस अंदाज में, वो बैठ के एक घुटना लगा के। और तो इसमें क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल? इलायची है, ग्रीन टी और ज़ैफरान है। अच्छा, ज़ैफरान है। तो इनको आप जो है क्या लोगों का यहाँ क्या वो इंटरेस्ट आपको नज़र आया, आपके कावे में नज़र आया, आपके इसमें सब चीज़ों में? सब चीज़ों में अच्छा है। तो काबली पुलाव नज़र नहीं आया, वो ज़्यादा मशहूर। काबली पुलाव तो कल हम बनाए थे, वो जल्दी ख़त्म हो गया है, पर आज नहीं, वीकेंड में बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप यहाँ तो ये है आपका स्टॉल, तो इसके बाद आप क्या करते हैं? देखते ही जो नसीब में होता है अल्लाह। नहीं, मीन मेरे पूछने का मकसद ये है कि जो है बाहर जाने का है। अच्छा, जो मेरा हस्बैंड जो था वो प्रेस में यूके यूएस के साथ काम कर रहा था, जो हम यहाँ जाने बाहर जाने के लिए आए हैं, तो फ्री में बैठने से तो हमें स्टॉल यहाँ पे लगा। वो अमेरिकन ने तो आज कहा है, अखबार में आया हुआ था, आप लोगों का हुकूमत पाकिस्तान से बात की है कि इन लोगों को हमने वहीं लेके जाना है, तो इन्हें फैसिलिटेट करें, तो इस तरह का न्यूज़ आइटम था, आपको भी शायद पता होगा। अभी वो लोग खुद ही जानते हैं जी, वो लोग खुद ही जानते हैं जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। हाँ। जिन लोगों का केस है उन्हीं लोगों को निकल, जो तर्जुमानी करता था उन लोगों के साथ, जो काम करता था उन लोगों को निकाल। अच्छा। ऐसे तो ज़्यादा मुझे भी उतना आइडिया। अच्छा, तो दूसरा क्या ट्रेडिशनल आपकी फूड आइटम है? हमारा तो बहुत ज़्यादा है, बोलानी, आशाद, मंचू, खावली पुलाव, ऐसे अफगानी खाना सब बहुत ज़्यादा है। बस हमने तो रसा जो हमारे बस में था। तो ये आपने उर्दू कहाँ से सीख ली, कब से हैं आप यहाँ पे? मैं तो एक साल हो गया। अच्छा, एक साल में। अच्छा, ये हमारा पठान है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो और यहाँ को आपको कैसा लगा, ये मुख्तलिफ जो वो लगे हुए हैं, पंजाब है, कश्मीर है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हमें, सबसे ज़्यादा जो हमें प्यार मिलता है हमारे हमारे पड़ोसी से बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत प्यार मिलता है सच में, पाकिस्तानी लोगों से हमें बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, आपके अपने लोग हैं, आप हमारे लोग हैं, आपसे वो बड़ा एहतराम। आप कुछ कहेंगी?
चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने बात किया, बहुत शुक्रिया।